पहले के चाइल्डहुड कार्टून्स हमारी लाइफ का हिस्सा हुआ करते थे। तभी के कार्टून्स बनाए जाते थे बच्चों की खुशी के लिए, उसमें कोई स्टोरी होती थी, कोई सीख होती थी, कुछ मजा आता था। और अभी के कार्टून देख के तो सिर्फ रोना आता है। आप ही सोचो हम कितने लकी है कि हमको कैसे कार्टून्स देखने को मिलते थे। और अभी के कार्टून में और कुछ नहीं होता, सिर्फ होती है बकचोदी। अभी तो बस कार्टून को एकदम छोटा कर दिया जाता है ताकि उसमें बीच में एड्स डाल सके और पैसे कमाए जा सके। पहले के टाइम में लोग कार्टून पैसे के लिए नहीं बनाते थे, बच्चों की खुशी के लिए बनाते थे। तो वही पुराने कार्टून्स को उठा के कुछ लोगों को खुजली मचती है, इसलिए वो बनाते हैं उन कार्टून्स के रीमेक या फिर कह सकते हैं रिबूट। और कुछ रिबूट तो इतने घटिया होते हैं कि हमें पुराने कार्टून से भी नफरत होने लग जाती है। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी रिबूट्स बकवास होते हैं। कुछ रिबूट के ग्राफिक्स अच्छे कर दिए जाते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, और कुछ रिबूट सच में अच्छे होते हैं। पर मैं अच्छे की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि 5 वर्स्ट कार्टून रीमेक। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाए, हेलो गाइस, मैं हूँ दिव्यांग और आज दूंगा आपको एक ज्ञान। तो नंबर 5 पे आता है टीन टाइटंस गो। तो 90s के समय में एक कार्टून आता था जिसका नाम है टीन टाइटंस। वो कार्टून बहुत ही अच्छा था, पर कुछ टाइम बाद उस कार्टून को बंद कर दिया गया। तो क्रिएटर्स ने एक नया रिबूट बनाया है जिसका नाम है टीन टाइटंस गो, जो सिर्फ लगता है मुझे बच्चों के लिए बना गया है, जिसका एनिमेशन स्टाइल एकदम पुअर है और ना तो कोई स्टोरी है, बस पुराने स्टोरीज को कॉपी किया जाता है और कभी कभी तो टीन टाइटंस के ही सीन्स को कट करके उसमें डाल दिया जाता है। और शॉकिंग बात तो ये है कि टीन टाइटंस गो के क्रिएटर्स ने कभी टीन टाइटंस की ओरिजिनल सीरीज देखी ही नहीं थी। अगर देखी नहीं है तो फिर वो कैसे बना सकते हैं यार। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कार्टून की तरफ। तो इस कार्टून का नाम है द पावर पफ गर्ल्स। ये भी एक 90s का बहुत ही फेमस कार्टून था जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था, और कुछ तो लड़के भी इसे बहुत देखते थे, उनमें से मैं भी हूँ। और मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि ये लड़कियों का कार्टून मैं भी देखता था। बट अभी के रिबूट में तो लड़कियों का कार्टून खुद लड़कियां ही नहीं देखना चाहती, लड़कों की तो बात ही अलग है। बस एनिमेशन स्टाइल को बदलने से ऐसा नहीं होता कि पुराना कार्टून अच्छा बन जाता है, उसकी स्टोरी भी बहुत मायने रखती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड कार्टून की तरफ, जिसका नाम है द स्कूबी डूबी डू। ये हमारे चाइल्डहुड का सबसे फनीएस्ट कार्टून हुआ करता था, पर पता नहीं कि इनके क्रिएटर्स को क्या खुजली हुई कि उन्होंने फिर से उसका एक रिबूट निकाला। ये अब तक का सबसे वाहियात रिबूट था। मतलब इनके कैरेक्टर डिजाइन को हो क्या गया है, जरा इनके स्कूबी को तो देखो, ऐसा लगता है कि कोई पोलियो हुआ है। इतना पुअर कैरेक्टर डिजाइन मैंने आज तक नहीं देखा। इस नए रिबूट में ना कोई कॉमेडी थी ना कोई स्टोरी, तो कोई क्यों देखेगा इसे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कार्टून की तरफ। ये कार्टून बॉयज का तो सबसे फेवरेट कार्टून हुआ करता था पहले, जिसका नाम है बेन 10। बेन 10 के कई रिबूट बने, जैसे कि बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियंस, पर ये दोनों ही रिबूट बहुत ही अच्छे थे क्योंकि उसमें एनिमेशन की क्वालिटी को अच्छा किया गया था और नई स्टोरीज को लाया गया था। पर फिर बना एक और रिबूट जिसका नाम था बेन 10 ओम रिवर्स, जिसमें एनिमेशन क्वालिटी को एकदम खराब कर दिया गया और स्टोरी को अच्छा कर दिया गया। तो मतलब ही क्या था उस रिबूट का, अगर आपने एनिमेशन वही सेम रखा होता तो वो भी रिबूट बहुत सुपर हिट जाता, पर आपको सुपर हिट कहाँ करना है भाई। फिर ये रिबूट भी बंद हो गया। उसके बाद आया एक डिजास्टर जिसका नाम है बेन 10 रिबूट, मतलब उसका नाम भी रिबूट ही था। इस बेन 10 को देख के मुझे एक ही ख्याल आता है, संडास दिखाता हूं। तो टॉप वर्स्ट कार्टून की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी वो कार्टून है जो चाइल्डहुड का सबसे फेवरेट कार्टून हुआ करता था, मेरा ही नहीं हर बच्चे का। दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने टॉम एंड जेरी का नाम ना सुना हो या फिर उसे देखा ना हो। बट इसका ये रिबूट अब तक का सबसे घटिया रिबूट था पूरी हिस्ट्री में। ना एनिमेशन अच्छा था, ना स्टोरी अच्छी थी, ना वॉइस अच्छी थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। आप जरा खुद ही सुन लो कि इसका डबिंग कैसी लगती है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग टॉम एंड जेरी को बोलते हुए देखना चाहते हैं, और ये सिर्फ इसकी डबिंग की वजह से इस लिस्ट में डिजर्व करता है। और जानबूझ के इस कार्टून को इतना छोटा कर दिया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एड्स को डाल सके। तो आप सब मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये कार्टून लिस्ट में नंबर 1 पे डिजर्व करता है या नहीं। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।